इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन योर लाइफ, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक पेरेंट हो, आप कोई भी हो, इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट इन योर लाइफ देन दिस वीडियो इज फॉर यू। यस दिस फ्रेंड्स, कल रात में एक केस स्टडी पढ़ रहा था, इट्स अबाउट हाउ यू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दोस्तों बाबा रामदेव की केस स्टडी है, एंड इन दैट केस स्टडी व्हाट इज मेंशनड इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बताया गया है। तो होता क्या है, रामदेव जी बाबा 30-40 साल पहले क्या करते थे, छोटे से गांव में जड़ी बूटी लोगों को देते थे, उनकी दवाई से उनकी रोग आयुर्वेद से वो चाहते थे कि लोग आरोग्य हो, लोग मतलब उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। आज वही बाबा रामदेव 1,000 करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। हाउ हाउ इट इज पॉसिबल, ही इज नॉट सो एजुकेटेड, मतलब कहीं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीए नहीं किया उन्होंने, पर कैसे वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए। कोई अगर जाता है हार्वर्ड में एमबीए करते हैं, आके अगर बहुत बड़ा एम्पायर करते हैं, इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि उसके पास वो एनवायरमेंट है, वो नॉलेज है, स्किल है। बट रामदेव जी के पास कुछ भी नहीं था, बस एक ही चीज था, दैट वॉज आयुर्वेद, एंड यू नो आयुर्वेद टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज, आयुर्वेद के बेस्ट नॉलेज था उनके पास। दोस्तों हमारे साथ वही होता है, अगर आपको कोई दोस्त बोलते हैं चलो यार कोई रेस्टोरेंट में चलते हैं, तो आप कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, गुड, बेटर या बेस्ट वन? ऑब्वियसली बेस्ट में जाएंगे, है ना दोस्त। अगर आपको कोई बोलता है चलो यार किसी ट्रैवल करते हैं कहीं पे हॉलीडे में, कहाँ जाएंगे आप, अफ्रीका में जाएंगे, तंजानिया में जाएंगे, या यूएस में जाएंगे, या ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे घूमने के लिए। तो हम सब ना द बेस्ट चाहते हैं, है ना। अब देखिए अगर आपको किसी यूट्यूब का वीडियो देख रहा है, किसका वीडियो आप देखते हैं, जो बेस्ट होगा, जिसके पास बहुत लाइक है, जिसके पास बहुत सब्सक्राइबर है ना दोस्त, जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, जैसे कि बहुत बड़े महान हस्तियां हैं, सदगुरु जी हैं, रामदेव जी बाबा हैं, उनकी वीडियो आप लोग देखते हैं। अगर किसी पर्सनालिटी के बारे में आपको सोचना है तो किसके बारे में सोचेंगे, किस कौन आपका रोल मॉडल है, मतलब किसको किसी को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं, मे बी एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, मतलब तो जो भी इंसान है, सदगुरु जी होंगे, जो भी है, जानते क्या होता है वो इंसान कैसे इतना टॉप में पहुंच गए। आप अंबानी जी को देख लीजिए, एक टाइम था जब वो 10 रुपए में किसी गैसोलीन स्टेशन में काम करते थे, वो आज जब वो छोड़ के गए ना, दुनिया छोड़ के गए, 10,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए, हाउ दे बिकम द टॉप, वो अपने इंडस्ट्री में कैसे टॉप बन गए दोस्त, दैट्स अ सीक्रेट मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। तो हम सबको पता है न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, वो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों आज जो भी इंसान बहुत टॉप में है, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए, बिजनेसमैन में देख लीजिए, वो कोई भी हो इंसान, टीचिंग में देख लीजिए, या कोई यूनिवर्सिटी देख लीजिए, कोई भी हो, अगर आप टॉप में हो देन देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड दैट, एंड यू नो व्हाट इज दैट, दैट इज इफ यू वांट द बेस्ट गिव योर बेस्ट। दोस्तों रामदेव जी बाबा जब जड़ी बूटी बेच रहे थे लोगों को, साइकिल पे जाके घर घर में जाते थे वो 30-40 साल पहले, तो उनके मन में एक ही ख्याल था, आई हैव टू गिव द बेस्ट, मुझे आयुर्वेद का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन लोगों को देना है, एंड वी हैव टू मेक देम क्योर। एंड वही रामदेव बाबा आज 1,000 करोड़ों की संपत्ति के साथ सारी दुनिया को आयुर्वेद की नॉलेज दे रहे हैं। दोस्तों आप यूट्यूब में जिसे भी यूट्यूबर को देख लीजिए, अगर वो टॉपर है, वहां पर दो तबके होते हैं, एक तो कुछ ऐसा चीज देते हैं जो हमें देखना नहीं चाहिए, बट कुछ और लोग हैं कंसिस्टेंटली वो वही काम कर रहे हैं कि लोगों की लाइफ में वैल्यू एड कर रहे हैं, एंड दे आर गिविंग द बेस्ट, वो लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो दोस्तों वही होता है, आप क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हो, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीएससी, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे प्रिपेयर कर रहे हो, आर यू गिविंग योर बेस्ट, आस्क दिस क्वेश्चन टू यू। तो एक इंसान के बारे में आपको बोलूंगा अभी, मंदिरा बेदी, आपने नाम सुना होगा। एक्चुअली मंदिरा बेदी वॉज नॉट इन क्रिकेट, क्रिकेट का नॉलेज ही नहीं था, तो मंदिरा बेदी ने क्या किया, शी वॉज एन एक्ट्रेस, टीवी सीरियल में काम करती थी वो, पर उसे लगा कि नो दिस इज नॉट द वे, आई एम बोर्न फॉर समथिंग डिफरेंट। तो उसने क्या किया, मंदिरा बेदी जी ने अपना चॉइस किया कि मुझे क्रिकेट में जाना है, आई वॉन्ट टू बी ए कमेंटेटर इन क्रिकेट, एंड आईपीएल में आजकल वो बहुत ही छाई हुए, एंड शी इज वन ऑफ द सक्सेसफुल कमेंटेटर ऑफ आईपीएल क्रिकेट। तो ऐसे होता है, हम क्या करते हैं ना, वी ऑलवेज कंप्लेन, अरे यार मुझे राइटिंग में बहुत शौक था, आई वॉन्ट टू बी राइटर, बट मैं पुलिसमैन बन गया, राइट? बहुत लोग यही सोचते हैं ना, मुझे आज सबसे बनना था पर मैं
बन नहीं पाया, आई बिकम ए टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर. ओके इट्स फाइन, वी आर बोर्न इन ए कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया में हम पैदा हुए हैं. वहां पर ना इतना भागदौड़ चल रहा है ना, अगर कोई चपरासी की नौकरी भी, ग्रेड फोर की नौकरी भी निकलता है ना, आप देखते हैं MBA वाले, BTEC वाले, MCA वाले, PhD वाले भी उसके लिए अप्लाई कर लेते हैं. क्योंकि आपको पता है क्यों, आई विल नॉट टेल इट, क्योंकि दैट पर्सन हु हैज डन हिज BTEC एंड अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट ऑफ ग्रेड फोर ग्रुप डी बिकॉज ही हैज नॉट गिवन हिज बेस्ट व्हेन ही वाज डूइंग BTEC. अगर आप कोई BTEC कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, अगर वो ग्रेड फोर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है, इट मीन्स वो अपना बेस्ट नहीं दिया है. दोस्तों वही होता है हमारे साथ, हम क्या करते हैं ना, वी आर नॉट गिविंग बेस्ट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, देन क्या होता है ना, वी आर नॉट गेटिंग द बेस्ट. दोस्तों हम जो भी करते हैं, इट्स चॉइस. मैं सुबह के 5 बजे हैं अभी, मॉर्निंग AM 5 AM मैं वीडियो बना रहा हूँ. व्हाई? इट्स अ चॉइस, आई एम मेकिंग द चॉइस दैट आई हैव टू पास द मैसेज. मैंने कल जो पढ़ा, आई मस्ट गिव दिस मैसेज टू यू. एटलीस्ट एक इंसान तो होगा जो इस वीडियो को सुन के उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा. Listen, friends. तो दोस्तों जब चॉइस की बात आता है ना, अब देखिए सुबह के 5 बजे आई हैड टू चॉइस. मैं कमल वन रोड के बस एक अच्छी नींद ले सकता था, या मुझे आधा घंटा उठ के उसके प्रिपेयर करना पड़ा, स्क्रिप्ट लिखना पड़ा, एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो. ये आपके साथ ही बहुत कुछ होता है दोस्त. अभी 5 बजे हैं तो मे बी अभी वर्ल्ड का, मे बी इंडिया का हम सोच लेंगे. इंडिया का अगर 5% लोग क्या करते हैं ना, उठते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दे वांट टू बी फिट एंड फाइन. बट बाकी के 95% लोग एक चॉइस, उनका चॉइस है कि मुझे सोना है, मुझे नींद को एंजॉय करना है. एंड यू नो व्हाट हैपेंड आफ्टर 1 or 2 years. तो यही चॉइस है. एक जब चॉइस की बात करते ना, एक CEO की बात मुझे याद आती है. एंड यू नो जैक वेल्स, एक CEO थे जैक वेल्स, जी कंपनी, आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. एंड जी कंपनी में क्या हुआ, जब जैक वेल्स ज्वाइन किया अराउंड 1990 के समथिंग, उस टाइम में अब जी कंपनी के पास बहुत कुछ बिजनेस था, जैसे कि टाटा के पास हमारे बहुत बिजनेस है, जी कंपनी का बहुत बिजनेस था. तो जैक वेल्स ने देखा बहुत सारे कंपनी है, कहीं पर भी उनका द बेस्ट नहीं हो पा रहा है, वर्ल्ड में उनका नाम नहीं है, काम तो चल रहा है पर वर्ल्ड में उनका नाम नहीं आ रहा है. तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, चॉइस. उन्होंने चॉइस क्या किया, मार्केट ऑडिट किया, सर्वे किया, बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया, उनका मतलब उनका फीडबैक लिया, और फाइनली उन्होंने 6 मंथ के बाद एक डिसीजन लिया कि जो जो हमारे कंपनीज है, जो जो ब्रांचेस है, वो आर नॉट डूइंग बेस्ट, मतलब वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 कोई पोजिशन में नहीं है, वी आर गोइंग टू क्लोज इट. हम उस सारे कंपनी को बंद कर देंगे जो वर्ल्ड के नंबर 1 नंबर 2 में अभी नहीं है या फिर नहीं आ सकते कभी, जस्ट टू क्लोज इट. उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया. दोस्तों आज GE कंपनी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज है. डू नो व्हाट, इट वाज अ चॉइस. उन्होंने चॉइस किया कि मुझे द बेस्ट देना है तभी तो मैं बेस्ट बनूंगा, जब मैं बेस्ट दूंगा तभी तो मुझे बेस्ट मिलेगा. दोस्त लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दोस्तों नॉलेज सबके पास है, नॉलेज इज पावर. नो दोस्तों, कुछ लोग उसको रॉन्ग तरीके से समझ रहे हैं. अप्लाइड नॉलेज इज पावर. जब नॉलेज को अप्लाई करते हैं ना तभी पावरफुल होता है, अगर नहीं तो किसको नहीं पता है. न्यूटन स्टार्ड सबको पता है, बट सबको बेस्ट ही चाहिए. अगर आपके पास चॉइस है, भगवान आगे बोले अरे यार एक विश में पूरी करूंगा, बोल तुझे कौन सी नौकरी चाहिए, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप ए, मतलब क्लास 1 ऑल इंडिया सर्विस IAS ऑफिसर बनना है. बट जब हम ये सोचते हैं कि हमें मिलता क्यों नहीं, व्हाई यू डोंट बिकम IAS ऑफिसर, व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू द बेस्ट इन आवर प्रोफेशन, क्योंकि कमी हम पे है, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे दोस्त. जब आप अपना बेस्ट दे देंगे ना, ऑब्वियसली बेस्ट विल कम टू अस. दोस्तों इस रास्ते में क्या होता है, बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स आते हैं. जैसे कि अगर आप APJ अब्दुल कलाम जी की लाइफ को स्टडी करेंगे, एक रिसर्च करेंगे, तो आपको मिलेगा APJ अब्दुल कलाम जी का जो पैदाइश हुआ ना, वो एक हम्बल फैमिली, बहुत ही नीचे स्तर की फैमिली में हुआ था. बट उनका फादर थे ना, APJ अब्दुल कलाम फादर मदर, जो उनका सोच बहुत बड़ा था. फिनेंशियली दे वर नॉट वेरी हाई, बहुत रिच नहीं थे, बट मेंटली दे वर वेरी रिच. दोस्तों बहुत डिफिकल्टीज, बहुत स्ट्रगल करने के बाद APJ अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट बने, एंड उस साइंटिस्ट बनने के बाद उन्होंने बस अपना द बेस्ट दिया. क्योंकि उससे पहले उनको बहुत फेलियर आया उनके लाइफ में, पैसे नहीं थे, तो उनकी बहन ने गहने बेच के उनको पैसे दिए पढ़ाने के लिए. जब एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए, वो इंटरव्यू में फेल हो गए, ही वॉन्ट टू डू सुसाइड,
वो सुसाइड करने वाले थे, पर उस वक्त एक इंसान उनके सामने आया और बोला, नहीं, यू आर बोर्न फॉर ए पर्पज, तुम्हें और कुछ महत्व काम करना है। तो ऐसे अगर आप किसी जगह पर फेल हो गए, आई मीन डोंट फेल, मतलब फेल्यूर आपके पास है। सपोज आपने एक ट्राई किया, एक एग्जाम दिया, वहां पर आपका सक्सेसफुली आप वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, डजंट मैटर, ऐसे सबके साथ हुआ है। जो भी बड़े इंसान है ना, उनके साथ ऐसे हुआ है। गूगल, आप नाम सुना होगा गूगल, हम सबको पता है गूगल का बहुत प्रोडक्ट है एंड सब काम नहीं कर रहे दोस्त, सारे प्रोडक्ट काम नहीं कर रहे। जिस भी ब्रांड को ले लीजिए, उसका जितने भी प्रोडक्ट है ना, बहुत कुछ काम नहीं करेगा, पर तो उसका एक दो प्रोडक्ट इतना अच्छा मार्केट में चलेगा ना, उससे ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। लाइक दोस्तों, अगर हमारा चॉइस है कि हम क्या करेंगे, अगर आप आपके दोस्त को देख रहे हैं, अरे वो डॉक्टर बन गया, मुझे बनना है, नो इट्स नॉट पॉसिबल। थ्री इडियट में वही कहा ना, आप सबको पता है कि बाबा रणछोड़ दास क्या बोलते हैं, बाबा रणछोड़ दास समय से टॉपर आता था, क्योंकि उसके पास मशीनों के लिए प्यार था। He wanted to do something for machines. That's why he became an engineer. But आपके जो choice है दोस्त, आपको जो बनना है ना, just evaluate that. सोचिए, देखिए, उसके बारे में चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, do research on that, and try to give the best. जो भी हो आप, अगर आपका choice कुछ बनना था, आज अगर कुछ है, don't worry, give your best. एक primary school teacher अगर अच्छा teacher बन जाता है ना, उसको भी President का award मिलता है। आपको पता होगा। एक पुलिसमैन अगर, या आर्मी में जो आदमी होता है ना, अगर वो अच्छा काम करता है, उसके लिए ब्रेवरी के लिए उसको भी अवार्ड मिलता है दोस्त। बट ए क्वेश्चन कम्स, आर यू गिविंग योर बेस्ट? बिना कंप्लेन किए आप जहां पर भी हो, आपका बेस्ट दीजिए, देखिए हाउ रिजल्ट कम्स टू यू, हाउ सक्सेस कम्स टू यू। दोस्तों, डू दिस एंड ट्राई दिस। आपका जो कमेंट है, अवेलेबल सजेशन है, वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर आपको फीडबैक देना। So it is going to be helpful for other people, right? So I hope this video is very helpful for you. And dosto, last request, if you find this video very useful for you, just share this and you know, give it to this at maximum people. It is going to be transforming their life like yours. Thank you very much. Till I make another video, bye bye.